डियर स्टूडेंट्स, कुछ नए क्वेश्चंस, एक नया सेट आज फिर से हम लोग बनाएंगे। इस बार 40 क्वेश्चंस का सेट आपको दिखाई देगा, जिसमें कट ऑफ होगा 35 का। आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के दिखाई देंगे। इसमें आपका 36, 35, 34 का स्कोर होना चाहिए, चूंकि कॉम्पिटिशन टफ है। इससे कम का मतलब है आपको रीजनिंग और मैथ में अपना स्कोर्स बहुत बढ़ाना पड़ेगा। तो जीके जीएस में आपके स्कोर्स अच्छे होने चाहिए ताकि रीजनिंग और मैथ में कुछ कमी रह जाए तो आप यहाँ से कंपनसेट कर लें। याद रखें, अगर जिनके स्कोर्स कम है इससे, तो फिर उन्हें सेट्स बनाने चाहिए, छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, जो हम लोग स्पीडी का, लूसेंट का, क्राउन का हम लोग अपने एपिसोड्स में कर रहे हैं, कुछ टॉपिक्स अलग से कर रहे हैं। तो अगर आप स्कोर्स कम करते हैं तो आपको इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स और फिर टॉपिक बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स बनाने चाहिए, तभी आपके स्कोर्स बढ़ेंगे। आइए आज 40 क्वेश्चंस का एक नया सेट, जिसमें पहला क्वेश्चन इस प्रकार का है। पहला क्वेश्चन है कि क्रिसमस फैक्टर क्या है? निम्नलिखित में से क्रिसमस फैक्टर क्या है? शरीर का विकास, डेवलपमेंट रुक जाता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता है, हड्डी सॉफ्ट हो जाती है, या फिर ब्रेन ड्राई हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रक्त का थक्का नहीं बनना। यह एक तरह का हीमोफीलिया बी डिजीज है, जिसमें विशेष प्रकार का प्रोटीन डेवलप नहीं करता शरीर में। यह सबसे पहले 1952 में एक स्टूडेंट स्टीफन क्रिसमस को हुआ था, इसीलिए इसे क्रिसमस फैक्टर कहते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में पिक्सल क्या है? आजकल पिक्सल वर्ड काफी लोकप्रिय है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पिक्चर एलिमेंट, सबसे छोटा पिक्चर डाउट, जो एक डिजिटल डाउट है, ये सबसे छोटा पिक्चर एलिमेंट है, इसे पिक्सल कहते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन, एक सामान्य वर्ष में जो 365 दिन का हो, उसमें कौन सा दिन आपको समान सेम मिलेगा, यानी लीप ईयर को छोड़ दें तो बाकी सालों में कौन सा दिन सदैव सेम रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी और 31 दिसंबर, यानी साल का पहला और अंतिम दिन हमेशा सेम रहेगा। ये आप 2019 में भी देख सकते हैं, 21-22 में भी ये होगा लीप ईयर छोड़कर। आज का चौथा क्वेश्चन, रोबोट किस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संकर कंप्यूटर, यानी हाइब्रिड कंप्यूटर। पांचवा प्रश्न, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा इसका सी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2, एक तरह का ये वाइट पाउडर है जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में जाना जाता है। आज का छठा क्वेश्चन, उल्टा प्रसरण विधि यानी रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रयोग कहां होता है, कहां दिखाई देता है? ऑस्मोसिस के कई एग्जाम्पल्स हम जानते हैं, यहां पर रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, समुद्र के पानी को शुद्ध करना। ऑस्मोसिस आप जानते हैं, हाई कंसंट्रेशन के लिक्विड में पतले छेद से धीरे धीरे किसी लिक्विड का अंदर जाना ऑस्मोसिस की क्रिया होती है। यहां पर समुद्र के पानी को जब हम छानते हैं तो यह रिवर्स ऑस्मोसिस की क्रिया होती है। सातवां प्रश्न, स्मार्ट मनी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त शब्द है? स्मार्ट मनी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्रेडिट कार्ड। आज का आठवां प्रश्न, राष्ट्रगान जनगण मन सबसे पहले कहां प्रकाशित हुआ था? सोचकर आपको जवाब देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तत्वबोधनी पत्रिका, 1912 में तत्वबोधनी मैगजीन में यह सबसे पहले प्रकाशित हुआ। आप जानते हैं कि 1911 में कांग्रेस के एनुअल सेशन में यह सबसे पहली बार गाया गया था। आज का नवा क्वेश्चन, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड कौन कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो अंतःस्रावी ग्रंथि यानी इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले, जैसे थायराइड, एड्रिनल, ओवरीज, इनसे सेक्रेट होने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। दसवां प्रश्न, युद्ध बंदियों की सुरक्षा पर प्रसिद्ध संधि निम्नलिखित में से कौन है? प्रिजनर्स ऑफ वॉर, अभी ये काफी चर्चा में रहा। तो ये किस संधि के तहत देश बंधे हुए हैं युद्ध बंदियों पर सुरक्षा को लेकर? तो इसका आंसर हो जाएगा जिनीवा कन्वेंशन। आज का 11वां क्वेश्चन, रेलवे दिवस कब मनाया जाता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल, चूँकि 16 अप्रैल 1853 को ही भारत की पहली ट्रेन मुंबई में चली थी। आज का 12वां क्वेश्चन, दूरी की इकाई यानी यूनिट नॉटिकल माइल क्या है, क्या मापता है, कहाँ यूज होता है नॉटिकल माइल? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्री परिवहन यानी सी वॉयज में। आज का 13वां क्वेश्चन, मैक नंबर 5 से अधिक की ध्वनि क्या कहलाएगी? अगर किसी रॉकेट या किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मैक नंबर 5 यानी ध्वनि से 5 गुने अधिक गति से चल रहा है तो उसकी गति कैसी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हाइपरसोनिक। सुपरसोनिक कहलाता है जब मैक नंबर 1 से अधिक हो और हाइपरसोनिक जब मैक नंबर 5 से अधिक हो, अल्ट्रासोनिक यानी मैक नंबर 10 से अधिक हो। आज का 14वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है, चेयरपर्सन? तो इसका आंसर हो जाएगा रेखा शर्मा। आज का 16वां क्वेश्चन, कोलाइडल विलयन यानी कोलाइडल सॉल्यूशन की कौन सी अवस्था कुहासे में दिखाई देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गैस में द्रव। आज का 17वां क्वेश्चन, अम्लों की प्रबलता यानी एसिडिटी ऑफ एसिड्स घटते क्रम में क्या होगी? सही सेक्शन आपको बताना है, इसमें कौन सा क्रम जो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है यानी सबसे अधिक पहले और सबसे कम बाद में? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, HCl, H2SO4, HNO3, एसिटिक एसिड यानी CH3COOH। बी इसका आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? यहां पर इसका आंसर हो जाएगा सी, कृष्णा। 19वां क्वेश्चन, सोना का सिंबॉल क्या होता है, गोल्ड का केमिकल सिंबॉल इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी ऑरम। ऑरम गोल्ड का शॉर्ट फॉर्म है, सिंबॉल है। 20वां प्रश्न, किसे लेडी विद द लैंप कहते हैं? सोचकर जवाब देंगे आप। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। दरअसल क्रीमियन वॉर जो 1853 से 1856 के बीच चला रशिया और इंग्लैंड के विरुद्ध और उसके मित्र देशों के विरुद्ध, यहाँ पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग की एक मिसाल जो रात में एक छोटा सा लैंप लेकर घायलों की मदद करती थी, उनकी देखभाल करती थी, तब से इन्हें लेडी विद द लैंप की संज्ञा दी गई। ये एक सोशल वर्कर थी। प्रकाश का रंग निश्चित होता है उसके किस गुण से? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वेवलेंथ। तरंग इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जो इसे अलग करती है। 22वां प्रश्न, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डायनमो एवं जनरेटर। आज का 23वां क्वेश्चन, घोड़े का अक्षांश यानी हॉर्स लैटिट्यूड कहां स्थित है? सोचकर जवाब दें। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 से 35 डिग्री, उत्तर और दक्षिण दोनों ही यानी कर्क रेखा और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में ये 30 से 35 डिग्री के पास के क्षेत्र को घोड़े का अक्षांश के रूप में हम लोग जानते हैं। चूंकि यहाँ पर प्राचीन काल में कुछ व्यापारी अपने जहाज से इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, जब यहाँ पर इस मझधार में यहाँ पर इनका जहाज फंस गया तो इन्होंने अपना भार कम करने के लिए घोड़े को समुद्र में फेंक दिया, ये किसी तरह बच पाए और तब से ये अक्षांश घोड़े का अक्षांश कहलाने लगा। आज का 24वां प्रश्न, किस राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री ने शपथ ली, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वुमेन चीफ मिनिस्टर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सुचेता कृपलानी जो 1963 में मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीजन। 26वां क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ए नर्मदा, जबलपुर में मध्य प्रदेश में ये धुआंधार वाटरफॉल स्थित है। 27वां क्वेश्चन, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए जवाहरलाल नेहरू। 1963 में सबसे पहले नो कॉन्फिडेंस, सबसे अधिक बार 15 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में आया था। 28वां क्वेश्चन, विश्व के सबसे अधिक अवसाद रेसिड्यूज को ढोने वाली नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ब्रह्मपुत्रा। आज का 29वां क्वेश्चन, चिली सॉल्ट पीटर किसका कंपाउंड है? चिली सॉल्ट पीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम NaNO2। इसका क्वेश्चन, लोढ़ा समिति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट में भ्रष्टाचार, सट्टेबाजी पर यह कमेटी गठित हुई थी। 31वां क्वेश्चन, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी लाला लाजपत राय है, जिन्हें पंजाब केसरी भी कहते हैं, जो पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापकों में से एक माने जाते हैं। पंजाब नेशनल बैंक 1894 में लाला लाजपत राय के प्रयासों से गठित हुआ था। आज का 32वां क्वेश्चन, गैल्वेनीकरण में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? गैल्वेनाइजेशन जब हम करते हैं तो क्या चढ़ाते हैं उस पर एक लेयर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थल में दूर से पानी का आभास होता है, ये किस क्रिया से होता है, किस घटनाक्रम से? तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, 34वां क्वेश्चन, भारत की पहली राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति किस वर्ष आई, साइबर सेफ्टी पॉलिसी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 2013। 35वां क्वेश्चन, ब्लैकफुट रोग जल में किसकी अधिकता से हो जाता है? ब्लैकफुट डिजीज पानी में किसके सॉल्यूशन से हो जाता है, उसके सेवन से? तो इसका आंसर हो जाएगा बी आर्सेनिक। 36वां, हीरा नगरी के रूप में कौन विख्यात है? डायमंड सिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सूरत। 37वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे कम ताप किसका होता है? सबसे कम, तो इसका आंसर हो जाएगा केल्विन, 1 डिग्री केल्विन। आप जानते हैं कि 0 डिग्री केल्विन बराबर -273°C होता है। आज का 38वां क्वेश्चन, व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेसिस्टेंस। व्हीट स्टोन ब्रिज से रेसिस्टेंस, ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिससे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस को मापा जाता है। 39वां क्वेश्चन, मारखोर किस देश का राष्ट्रीय पशु है? मारखोर, तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। आज का 40वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, भारत की नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण कहां हुआ है? काफी चर्चित यह ट्रेन रही है जो पूरी तरह से भारत में बनी है, इसकी गति भी बहुत अधिक है। तो इसका हो जाएगा आंसर ए इंटेग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। तो ये 40 क्वेश्चंस का सेट आज आपने देखा, इसमें कट ऑफ था 35 का, 32 से कम नहीं होने चाहिए। अगर इससे कम है तो आप सेट्स बनाएं, टॉपिक्स पढ़ें, ऑब्जेक्टिव्स बनाएं और वैसे सेट्स बनाएं जिसमें कुछ नए क्वेश्चंस आपको मिलते हो। टेक केयर।